छत्तीसगढ़ के मानचित्र पर एक नया जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही प्रदेश के 28वें जिले के रूप में नक्शे पर उभर आया। मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनौपचारिक ऐलान के साथ ही कहा कि अब इस आदिवासी क्षेत्र को एक नई पहचान मिल गई है। अब पसान आरआई सर्किल भी इस जिले का हिस्सा होगा, साथ ही अगले साल से अरपा महोत्सव की शुरुआत होगी। आज यहां आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में अपने ठेठ अंदाज में संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए पूछा कि कैसे लगते गोरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाने की मांग बहुत पहले से हो रही थी, जिसे पूरा करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। क्षेत्र के वर्तमान विधायक व पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी चाहते थे कि यह जिला बने। अब सबको मिलकर इस जिले को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सव माधव राव स्प्रे को भी स्मरण किया। उन्होंने गोरेला पेंड्रा मरवाही के आबो हवा को स्वच्छ से अच्छा बताते हुए क्षेत्र के लाख मधुरस व चावल को भी प्रसिद्ध की चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को मया रूख बताते हुए तारीफ की। इसके पूर्व सभा को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, ताम्रध्वज साहू सहित अन्य ने संबोधित किया तथा लोगों को नए जिले की बधाई देते हुए विकास की धारा में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। जोगी ने विकास को गति देने के लिए इस जिले को गोद लेने की मांग मुख्यमंत्री से की है। गोरेला पेंड्रा मरवाही से संवाददाता संतोष नामदेव की रिपोर्ट। अभी करके तो
किया। देखिए तीनों की मांग थी पेंड्रा गोरेला और मरवाही की, तीनों नाम नर्मदा महोत्सव के बारे में आपने कहा कि इस तरह का देखिए अरपा ने प्रोजेक्ट बनाया है, डीपीआर बन चुका है, अरपा को पुनर्जीवित करने का हम सबका संकल्प है। अरपा में बारह महीने पानी बहते रहे निर्बाध रूप से, ये हम सबका संकल्प है। उसकी शुरुआत उसका प्रोजेक्ट बन गया है, शुरुआत होगी और अगले साल अरपा महोत्सव हम लोग यही। सर सारे नेता आपके साथ आज मंचासीन थे, बाकी नेताओं को क्या संदेश देंगे कि क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसी होनी चाहिए? सभी नेता यहाँ आए, अच्छी बात है, निर्माण कार्य है और नया जिला बना है, सभी लोगों ने भागीदारी, सभी इलाकों को सभी इलाकों में दिल्ली का सम्मान दीजिए, सभी सभी जिलों का हमने सब जारी कर दिल्ली में क्या दिल्ली का सम्मान बताइए, झारखंड से आए थे तो आप बताए थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पराजित हो रही है, कांग्रेस रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है लंबे समय से मतलब बहुत लंबा समय से जाता है, रिकॉर्ड को अपडेट कर दो, जिले में वही समस्या आएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।